प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का आठवां पाठ जीप पर सवार इल्लियां। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का फिर से अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, यह पाठ किस विधा का है? यह पाठ किस विधा का है? तो आप इसका उत्तर देंगे, हास्य व्यंग्य विधा में। यह पाठ किस विधा का है? तो आप इसका उत्तर देंगे, हास्य व्यंग्य विधा में। दूसरा प्रश्न है, जीप पर कौन सी तीन इल्लियां सवार थीं? जीप पर कौन सी तीन इल्लियां सवार थीं? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक, कृषि अधिकारी तथा ड्राइवर। लेखक, कृषि अधिकारी तथा ड्राइवर। तीसरा प्रश्न है, इन लोगों को इल्लियां क्यों कहा गया है? इन लोगों को इल्लियां क्यों कहा गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, जिस तरह इल्लियां चने के पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, उसी प्रकार इन तीन लोगों ने चनों को तोड़वा कर नुकसान करवाया। ये सरकारी धन को भी बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह इल्लियां चने के पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, उसी प्रकार इन तीन लोगों ने चनों को तोड़वा कर नुकसान करवाया। ये सरकारी धन को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, इल्लियां क्या होती हैं? इल्लियां क्या होती हैं? इल्लियां क्या होती हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, इल्लियां एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो चने की फसल को चट कर जाते हैं। इल्लियां एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो चने की फसल को चट कर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला लिखित प्रश्न है, इस पाठ में किन किन पर व्यंग किया गया है और क्यों? इस पाठ में किन किन पर व्यंग किया गया है और क्यों? तो आप इसका उत्तर देंगे, इस पाठ में कृषि विभाग के अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों तथा कार्यकर्ताओं पर व्यंग किया गया है। ये लोग ही शोर शराबा मचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे थे। इस पाठ में कृषि विभाग के अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों तथा कार्यकर्ताओं पर व्यंग किया गया है। ये लोग ही शोर शराबा मचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक को चने में इल्ली लगने का समाचार कैसे मिला? लेखक को चने में इल्ली लगने का समाचार कैसे मिला? लेखक को चने में इल्ली लगने का समाचार कैसे मिला? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक को चने में इल्ली लगने का समाचार अखबारों से मिला। एक कृषि अधिकारी ने भी उन्हें इल्ली लगने के बारे में बताया। लेखक को चने में इल्ली लगने का समाचार कैसे मिला? तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेखक को चने में इल्ली लगने का समाचार अखबारों से मिला। एक कृषि अधिकारी ने भी उन्हें इल्ली लगने के बारे में बताया। अगला प्रश्न है, लेखक ने इल्ली का संबंध ईला से किस प्रकार स्थापित किया है? लेखक ने इल्ली का संबंध ईला से किस प्रकार स्थापित किया है? लेखक ने इल्ली का संबंध ईला से किस प्रकार स्थापित किया है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ईला पृथ्वी को कहते हैं। ईला पृथ्वी को कहते हैं। ईला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली अन्न की नष्ठात्री देवी। इल्लियां ईला की ही पुत्रियां हैं।
लेखक ने इल्ली का संबंध ईला से किस प्रकार स्थापित किया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, ईला पृथ्वी को कहते हैं। ईला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली अन्न की नष्ठात्री देवी है। इल्लियाँ ईला की ही पुत्रियाँ हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, चने के खेतों में इल्ली लगने का शोर मचने पर क्या क्या गतिविधियाँ शुरू हुईं? चने के खेतों में इल्ली लगने का शोर मचने पर क्या क्या गतिविधियाँ शुरू हुईं? तो आप इसका उत्तर देंगे, अखबारों में सचित्र समाचार छपने लगी, नेताओं के भाषण शुरू हो गए, बैठकें होने लगीं, सड़कों पर झाड़ुएं फिरने लगीं, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, अखबारों में सचित्र समाचार छपने लगे, नेताओं के भाषण शुरू हो गए, बैठकें होने लगीं, सड़कों पर झाड़ुएं फिरने लगीं, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। पांचवा प्रश्न है, लेखक क्या सोचकर कृषि अधिकारी की जीप में बैठ गया? लेखक क्या सोचकर कृषि अधिकारी की जीप में बैठ गया? लेखक क्या सोचकर कृषि अधिकारी की जीप में बैठ गया? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक यह सोचकर जीप में बैठ गया कि इसी बहाने यह पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़। लेखक यह सोचकर जीप में बैठ गया कि इसी बहाने यह पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, लेखक ने किसान से क्या पूछा? इससे उसकी बुद्धि के बारे में क्या पता चलता है? लेखक ने किसान से क्या पूछा? इससे उसकी बुद्धि के बारे में क्या पता चलता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक ने किसान से पूछा, तुम जब खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? इससे पता चलता है लेखक कम बुद्धि वाला है। लेखक ने किसान से पूछा, तुम जब खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? इससे पता चलता है लेखक कम बुद्धि वाला है। अगला प्रश्न है, छोटा अफसर बड़े अफसर की हर बात का समर्थन क्यों कर रहा था? छोटा अफसर बड़े अफसर की हर बात का समर्थन क्यों कर रहा था? तो आप इसका उत्तर देंगे, छोटा अफसर बड़े अफसर की हर बात का समर्थन उसकी चापलूसी करने के लिए कर रहा था। छोटा अफसर बड़े अफसर की हर बात का समर्थन उसकी चापलूसी करने के लिए कर रहा था। अगला प्रश्न है, छोटे अफसर ने किसान को घुड़क कर क्या कहा? उसने ऐसा क्यों कहा होगा? छोटे अफसर ने किसान को घुड़क कर क्या कहा? उसने ऐसा क्यों कहा होगा? तो आप इसका उत्तर देंगे, छोटे अफसर ने किसान को घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है, अबे थी ना वो कहाँ गई? छोटे अफसर ने किसान को घुड़क कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है, अबे थी ना वो कहाँ गई? अगला प्रश्न है, बड़े अफसर ने गुप्त जी की कविता सुनाकर क्या अनर्थ कर डाला? बड़े अफसर ने गुप्त जी की कविता सुनाकर क्या अनर्थ कर डाला? तो आप इसका उत्तर देंगे, बड़े अफसर ने लेखक को गुप्त जी की कविता ग्राम्य जीवन सुनाई। कविता सुनाकर अफसर कहने लगा, मेरे मन में जब यह कविता उठती है तो मैं जीप पर सवार होकर खेतों में चला आता हूँ। इसी कारण खेतों से चने के पौधे उखड़वा कर अनर्थ कर डाला। बड़े अफसर ने लेखक को गुप्त जी की कविता ग्राम्य जीवन सुनाई। कविता सुनाकर अफसर कहने लगा, मेरे मन में जब यह कविता उठती है तो मैं
जीप पर सवार होकर खेतों में चला आता हूँ। इसी कारण खेतों से चने के पौधे उखड़वा कर अनर्थ कर डाला। अगला प्रश्न है, पाठ के व्यंग को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। पाठ के व्यंग को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, तो आप इसका उत्तर देंगे, पाठ में यह व्यंग किया गया है, सरकारी अधिकारी अपने अल्प ज्ञान तथा स्वार्थ के कारण गरीबों का अहित करवा डालते हैं। पाठ में यह व्यंग किया गया है, सरकारी अधिकारी अपने अल्प ज्ञान तथा स्वार्थ के कारण गरीबों का अहित करवा डालते हैं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।